व्लॉग तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी को जरूर दबाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घर में बहुत बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे कट किया जा रहा है केक जो कि है मेरी बर्थडे का। उस पर बतूल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो मेरी दादी का नाम है। और मुझे सरप्राइजेस तो काफ़ी पहले से मिलना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन रात में मुझे बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं भूल चुकी थी कि 12 बज चुके हों, मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई, लेकिन मुझे भाई ने, पापा ने, घर वालों ने, सब ने सरप्राइज़ किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और सुबह हम लोगों ने, दिन में जाना था हमने मॉल अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमने पहले बहुत सारी जगहों पे देखा कि हम कहाँ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें, मतलब कहाँ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की जाए। मैंने कहा नहीं करते, इस बार मेरा इतना ज़्यादा मूड था नहीं तो, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने, इन लोगों ने, सब ने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की। अच्छा, मेरे ड्रेस के साथ सीन ये हुआ कि मैंने अपना गाउन बनवाया था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे एक्साइटमेंट बहुत हो जाती है स्टार्टिंग में, और जब टाइम आता है ना तो फिर मुझे इतनी एक्साइटमेंट रहती नहीं है, बस पता नहीं क्यों। और वैसे मेरा दिल थोड़ा सा उदास हो रहा था, क्योंकि मतलब के होता है ना कि कुछ स्पेशल लोग जो होते हैं, जो आपके साथ पहले हों और वो फिर आपके साथ बाद में ना हों, तो इसलिए थोड़ा सा दुख होता है जो कि आपके फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो कि इतने लॉयल, इतने ब्लेस्ड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी इस बर्थडे पे। मेरी सबसे बेस्टेस्ट बर्थडे है ये। और हम लोगों ने प्लान जो किया था वो तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना गाउन बनवाया था अपनी बर्थडे के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि हम, क्योंकि हमें पहले करनी थी अपनी बर्थडे मॉल में, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि मॉल को छोड़ के ना हमने टेरेस में करनी थी हमने अपनी बर्थडे, लेकिन हमने वो वाला प्लेस पे नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे टेरेस जो थी ना उस पर अवेलेबल नहीं था, कि मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे वहाँ पे। तो हमने कहा कि चलो उसको छोड़ के हम यहाँ पे डॉलमेन में कर लेते अपनी बर्थडे, करीब भी हो जाएगा और ये है कि सब लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैंने कहा कि अब मैं गाउन पहनूंगी तो वो ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैंने नॉर्मल शलवार कमीज़ पहन लिए जो कि मुझे अच्छे लगे थे, इट्स प्रिटी गुड। तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे, हम सबसे पहले मॉल जाते के साथ ही हमने वॉशरूम गए, पहले हमने अपने सारे दोस्तों को उठाया घरों से, फिर उसके बाद हम लोगों ने केक वगैरह लिया था। टाइम ज़्यादा हो चुका था, हमें निकलना था 4 बजे तक, लेकिन हम वहाँ पे पहुँचे 6 बजे तक। तो फिर उसके बाद हम सबसे पहले वॉशरूम गए, वहाँ पे हम लोगों ने चेंज वगैरह किया और थोड़ा सा टचअप करते हैं। फिर हम ऊपर गए फूड कोर्ट में, सबसे पहले मॉल जाते ही सबसे पहला काम होता है कि हम फूड कोर्ट जाते हैं। फूड कोर्ट में हम गए, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, मेरे लिए केक था, तुम जियो हज़ारों साल। इन लोगों ने मुझे इतना डराया था कि हम देखने इस पर क्या क्या लिखवाएंगे, लेकिन शुक्र ऐसा कुछ इन लोगों ने लिखवाया नहीं था। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मतलब सारे फ्रेंड्स वगैरह थे और मेरी फैमिली थी, अम्मी और आ नहीं पाई थी क्योंकि अम्मी घर में थी। उसके बाद हम लोगों ने अम्मी से वीडियो कॉल पर अम्मी को ज्वाइन किया था और फिर हम लोगों ने सबने केक कट वगैरह किया था। कुछ फ्रेंड्स का मैं वेट कर रही थी, लेकिन सीन ऐसा था कि टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जो है अभी साथ वो बस वही सब कुछ है, ये वाला सीन था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे केक कट करने से पहले हमने ऑर्डर दे दिया, हम प्लेलैंड जा रहे थे वहाँ से, लेकिन प्लेलैंड पता नहीं क्यों बंद था, हमने फिर भी बंद झूलों में भी बहुत मज़ा किया। और फिर उसके बाद हमने पहले ऑर्डर दिया, मैं तो साइड पर बैठी हुई थी, ये पूरा व्लॉग जो है वो मैंने शूट नहीं किया, मेरी बड़ी बहन उन्होंने शूट किया सारा व्लॉग। वो ऑर्डर देने चली गई थी, मैं फिर भी अपनी पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, वो क्या आप लोगों को मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पर, मैंने अपलोड कर दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। हम हर बर्थडे पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब साल जाता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि आपके पास आपकी फैमिली, और अगर आपके पास दोस्त ना भी हो तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपके पास आपकी फैमिली होनी चाहिए जो कि आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि अगर मेरे पास दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है थोड़े में खुश होना चाहिए, इसलिए जितने मेरे पास दोस्त हैं मैं उनमें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बर्थडे पे उदास बैठे होते हैं कि हमें कोई, मतलब ज़्यादा इतने फ्रेंड्स नहीं है, कौन विश करेगा कौन नहीं करेगा, तो इट
डजेंट मैटर, ये सारी चीज़ें इट्स नॉट अ बिग डील। आपके पास आपकी फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जब रात में सबने विश किया था, सरप्राइज़ किया था, मैं इतनी खुश थी। मैं अपनी हर बर्थडे पे जो है वो शुक्र अदा ज़रूर करती हूँ इस बात का कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है, जो कि मतलब मुझे बाहर कुछ भी होना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पेरेंट्स, मेरी बहनें, मेरे भाई और मेरे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे लिए सब कुछ हैं, जो कि मुझे कभी उदास नहीं होने देते। तो इसलिए मैं आज इस ब्लॉग में मैं जितनी खुश हूँ ना, तो मैं सब उनकी ही वजह से हूँ। तो इसलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम ले रहे हैं अपना ऑर्डर। मैं वहाँ पे अपनी जो है वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रही थी, मेरी दोनों बहनें ये सारे काम कर रही थी और मुझे पता भी नहीं चला इन लोगों ने मेरी इतनी सारी अच्छी अच्छी मुझे सरप्राइजेस दिए, पहले से मुझे पता नहीं था। तो मुझे इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या मिला। और बस, और यहाँ से हमने अपना ऑर्डर जो है वो कलेक्ट कर लिया है। अच्छा, ये डॉलमेन जो है वो हैदरी वाला डॉलमेन है और यहाँ का मुझे केएफसी का खाना मुझे इतना कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, क्योंकि जो आउटलेट बाहर के होते हैं ना, जिन पे ज़्यादा रश होता है, हमेशा उन आउटलेट से लेना चाहिए। वहाँ पे ये होता है कि आपको फ्रेश खाना मिलता है और दूसरी बात उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और ये जो डॉलमेन का ये आउटलेट था केएफसी का, मुझे यहाँ का खाना इतना पसंद नहीं आया। हाँ, फ्रेश था, लेकिन जो एक होता है ना कि जूसी होता है, फ्लेवरफुल खाना आता है, जिसे खा के बंदा बोले हो मज़ा आ गया, मुझे वैसे वाला फ़ील नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे ज़्यादातर हर आउटलेट का मैंने खाना खाया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ का डॉलमेन का इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता, कोई पसंद नहीं आई। अगर सोचे, अगर लड़की रिश्ते के लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आए तो कौन मना करेगा यार रिश्ते के लिए। बल्कि लड़की के तो ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाएगा, लोग बोलेंगे रिश्ता डन 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 अगर खाओ पी हुए तो। बट वी आर वेरी हंग्री और हमें बस अब खाने पे टूटना है। और यहाँ पे जब हमने अपना खाना वगैरह रखा, मैंने नहीं रखा था, मुझे तो पूरे व्लॉग में होश ही नहीं था। मैं एक साइड में अपनी पिक्चर्स ले रही थी, वीडियोस शूट करवा रही थी और सबसे मिल रही थी, बातें कर रही थी, कभी एक के पास बातें कर रही थी, कभी दूसरे के पास, तो मुझे होश ही नहीं था कि खाना आ भी गया। मुझे एंड में लोगों ने केक कट करने के लिए भी बार बार बोला। केक के साथ ये सीन हुआ था कि हम लोग जब आ रहे थे ना, तो हम लोग गुस्से में इस वजह से थे क्योंकि हमें देर हो गई थी और हमने घर पर जो टाइम दिया था हमें उस टाइम पर पहुँचना था, लेकिन केक जो है वो रास्ते में केक की हालत बिगड़ गई। इतना ज़्यादा शुक्र ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं केक कब कट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और खुशी खुशी में रात में पूरी रात में सोई ही नहीं थी। और यहाँ पे केक को अच्छा दिखाने के लिए, उसको ना उसके ट्रैक पे लाने के लिए हमने इतने स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी शुक्र केक ख़राब नहीं हुआ था। और केक मैं तो उस पे ना बोर्ड में ही रख के, उसके जो बॉक्स था उसमें ही रख के पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी, लेकिन फिर होश आ गया था। इसको थोड़ा सा वो करो जरा, हाँ आ जाएगा वो ना, इस तरह ही ना हो जाए। हाँ कुछ करो। हैप्पी बर्थडे, चलो ना। चलो टू यू,
और यहाँ पे हमारे साथ सबसे बड़ा सीन ये हुआ कि हमारे पास छुरी नहीं थी, हमने सारे आउटलेट से पता किया, वहाँ पे उनके पास भी छुरी नहीं थी, तो हम लोगों ने बस उसको जो हमारे पास कार्ड था उसी को हमने फाड़ा और उसी से हमने केक कट कर लिया और इतना मैसअप क्रिएट हो गया था, लेकिन मज़ा बहुत आया। अन्ना टिश्यू ले लो, टिश्यू से साफ कर लो। फिर ये था सही सही सही। चलो अच्छा ले लो, थोड़ा सा कट कट कर लो। अनीका अपनी बहन भाई निभाते कर लेगी। सब दिखाओ जरा इसके अंदर की। बस अल्लाह नो सॉस एट ऑल। चलो बाकी के ओपन कर लो। कोई भी ले लो कुछ भी ले लो। चलो सही है। नहीं तो थी सारा गंद मचाया है सारा। और अब ये लोग सारे फरार हो चुके हैं, कोई अपना कुछ खाने पीने चला गया है, कोई प्लेलैंड चला गया है, कोई कहीं गया हुआ है, और मुझे यहाँ पे इन लोगों ने रखवाली के लिए बिठाया हुआ है कि हमारे सामान का ख्याल रखें आप। और बस यहाँ पे हम अपना दिन गुजार कर बहुत अच्छा सा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके घर वापस जा रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन मज़ा बहुत आया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ये मैं भूल गई थी क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी बर्थडे इतनी अच्छी सेलिब्रेट हुई अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, सबको दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।